पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दिए गए भोज में कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा, विधायक, पूर्व विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ता आए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दिए गए भोज के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बताया कि संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हो चुकी है और सारा मसौदा तैयार हो चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी समय संगठन का विस्तार हो जाएगा। वहीं उन्होंने मानसून सत्र में हुई कार्रवाई को लेकर खट्टर सरकार को घेरा। कांग्रेस संगठन का विस्तार कब होगा, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा से। प्रदेश संगठन का विस्तार कब हो जाएगा, इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा, इनसे जानते हैं कि संगठन का विस्तार कब हो जाएगा। जी, संगठन का विस्तार जैसा मैंने आपको बताया सबसे चर्चा हो चुकी है और सारा इसका सब मसौदा तैयार हो चुका है। मैडम, विधानसभा का मानसून का सत्र 3 दिन चला है, इसको कांग्रेस किस तरह से देखती है? जिस तरह से ये सत्र को चलाते हैं, जिस तरह से एजेंडा पेश किया जाता है और जिस तरह से पारित किया जाता है, ये लोकतंत्र की हर परंपरा के, विधानसभा की हर परंपरा के खिलाफ। ऐसे बिल ले आते हैं जिनका असर हर तरह से हमारे हरियाणा के लोगों को प्रभावित करेगा, उनकी ज़िंदगी को प्रभावित करेगा। लेकिन ये उस पर विस्तार से चर्चा ना करके, चर्चा का मेरा मतलब है कि सिलेक्ट कमेटी को जाने चाहिए ताकि सभी लोगों से उसके बारे में बातचीत हो, फीडबैक हो, इनपुट्स लें। अब एक दिन के सत्र में आप बिल लेकर आते हैं और उन्हें पारित करते हैं और सोचते हैं कि हमने तोहफा दे दिया। कोई तोहफा नहीं दिया, ये बड़े घातक साबित होंगे हरियाणा के लिए, हरियाणा के किसान के लिए, हरियाणा के जिसके पास भी थोड़ी सी भी ज़मीन है उसके लिए। उसके अलावा भी ये जो फैमिली का, परिवार का, के कार्ड की जो बात कर रहे हैं, ये भी कोई लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कहते कुछ हैं, मकसद कुछ और होता है। हर चीज़ में, हर बात में भारतीय जनता पार्टी, ये सरकार राजनीति करती है। लोगों को आइडेंटिफाई करने का ये एक तरीका है। इसके अलावा भी आपने देखा है कि कोविड की बात हुई, हम पहले कहते थे कि उस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। अब चर्चा तो तब हो ढंग से जब ये माने कि कुछ गलत हुआ है। अब जब ये सरकार ये कह दे कि ऑक्सीजन के अभाव से कोई मौत ही नहीं हुई है हरियाणा में, तो आप सोच सकते हैं कि या तो ये सरासर गलत बोल रहे हैं या इन्हें मालूम ही नहीं है। दो ही चीज़ हो सकती है, तीसरी बात तो है ही नहीं, तो या तो गलत बोला है इन्होंने। मैडम, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है काफ़ी देर से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि संगठन का विस्तार होगा, अब काफ़ी देर हो गई है, आपने बोला कि चर्चा भी हो गई, तो अब देर कहाँ है? अब हो जाएगा, बस हो जाएगा। ये थी मेरे साथ कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा, इन्होंने बताया कि हरियाणा प्रदेश संगठन का विस्तार जल्द हो जाएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।